मशीन के लिए यहाँ पे कुछ काम है, क्रेन मशीन के थ्रू कुछ काम किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रेन मशीन को टर्न किया जा रहा है। और गाइस आपको दिखा दूँ तो इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे तो नीचे में जो है पोपलाइन मशीन के थ्रू जो है इस जगह पे खुदाई, तो इस जगह पे बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा था और अभी फाइनल हो चुका है बोल्डर पिचिंग का काम। तो गाइस यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा बोल्डर पिचिंग का काम जो है बचा हुआ है, जहाँ जगह के पास आपको दिखाया था। तो यहाँ से जो ये नाला निकाला गया है, ये रोड से जो पानी जो है नीचे धार बना दिया गया है ताकि रोड पे जो है पानी टिके ना। तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रड लगा के जो है दोनों तरफ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो न्यू ब्लॉग में आप लोग का जोरों शोर से स्वागत है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बताया था, जीरो माइल का अपडेट दे दिया था। तो जीरो माइल का अपडेट देने के बाद मैं आपको बोला था कि मुंगेर गंगा ब्रिज का अपडेट लेके आऊंगा। तो गाइस फाइनल मैं आ चुका हूँ मुंगेर गंगा ब्रिज पे और अभी मैं शालिग्रामी गाँव से अपडेट ले रहा हूँ। तो यहाँ से सारा कुछ अपडेट लेते हुए डायरेक्ट आपको लेके चलूंगा चंडिका स्थान तक और ये वीडियो जो सीमित बस वहीं तक रहने वाला है। तो गाइस फाइनल फटाफट से बिना टाइम गवाए हम फटाफट से लगाते हैं इंट्रो और दिखाते हैं आप लोग को। तो आप लोग बने रहिए। तो हे गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो इस तरफ जो है यहाँ पे बोल्डिंग का काम जो है फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था बोल्डर पिचिंग का काम कैसा हुआ है। और गाइस अभी उस जगह पे जो है जूम करता हूँ मैं तो उस जगह पे आप देख पा रहे होंगे तो पोपलाइन मशीन के थ्रू जो है उस जगह पे बोल्डिंग का काम जो है किया जा रहा है। देख पा रहे होंगे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट आप लोग को आगे रुक के भी दिखाते हैं कि आगे में काम क्या हो रहा है। तो गाइस फाइनल हम लोग जो है यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे तो बोल्डर पिचिंग का काम जो है काफ़ी अच्छे से किया गया है। और गाइस आपको बता दूँ तो यहाँ पे जैसा कि मैं चौखंडी गांव में दिखाया था तो पोपलाइन मशीन के थ्रू जो कैसे काम किया जा रहा था बोल्डर पिचिंग का, तो अभी देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर बोल्डर पिचिंग का काम जो है काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। और गाइस जैसा कि मैं चंडिका स्थान लाल दरवाजा के पास आपको दिखाया था, तो यहाँ से जो ये नाला निकाला गया है, ये रोड से जो पानी जो है नीचे धार बना दिया गया है ताकि रोड पे जो है पानी टिके ना। तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रड लगा के जो है दोनों तरफ ओके किया गया। अब फाइनल इसके ऊपर जो है ढलाई का काम जो है वो किया जाएगा। ये दोनों तरफ जो रड देख रहे हैं ये रेलिंग बन जाएगा और बीच से जो है सोती रहेगा पानी जाने का। तो गाइस यहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम जो है चल रहा है। और गाइस आगे से दिखाते हैं कि वहाँ पे जो है पोपलाइन मशीन के थ्रू जो है क्या काम किया जा रहा है। और गाइस देखिए आप किस तरह से, मतलब एक ट्रक जो है बहुत तेज़ी गति में गई है और शायद ऐसा लगा, मैं भी देखिए वहाँ पे देख पा रहे होंगे तो मतलब भाई ब्रिज पे इतना तेज़ी गति में भी गाड़ी ड्राइव करना सेफ नहीं है और बैरिकेड लगा हुआ है जिसके कारण सेफ नहीं है। तो गाइस फाइनल आप देख पा रहे होंगे तो इस जगह पर जो है पोपलाइन मशीन के थ्रू जो है यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसके बाद जो है इसके ऊपर जो है ये वाला गिट्टी से पूरा बराबर करके इसके बाद जो है बोल्डर को बिछाया जाएगा। तो गाइस फाइनल जो है आप देख पा रहे हो तो बैरिकेड के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और यहां से हम लोग जो है मुंगेर गंगा ब्रिज पे एंटर हो चुके हैं, मुंगेर गंगा ब्रिज पे पहुँच चुके हैं। तो गाइस फाइनल चलते हैं यहाँ से लेकर डायरेक्ट आप लोग को चंडिका स्थान और चंडिका स्थान के पास में क्या अपडेट है वो देते हैं। और गाइस आप लोग का प्रोमिस जो एक किया था मैं कि नाइट वीडियो आप लोग के लिए लाऊँगा, तो नाइट वीडियो जो है गाइस अभी नहीं ला पा रहा हूँ, लाऊंगा लेकिन बहुत जल्दी लाऊंगा। और गाइस एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो आप लोग हॉन्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो एक भाई कमेंट कर करके भाई परेशान कर दिए हैं इंस्टाग्राम पे कि भाई हॉन्टेड प्लेस का लोकेशन आपको भेज रहे हैं, उस जगह का हॉन्टेड वीडियो बनाइए। तो गाइस आप लोग कॉमेंट करके हमें बताइए क्या हॉन्टेड वीडियो हमें बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा ऐसा कमेंट कीजिए। तो गाइस फाइनल आप लोग जो है यहां से थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए मुंगेर लाल दरवाजा तक।
सो गाइस सारा कुछ जानकारी इस वीडियो में देते हैं और गाइस दिखाते हैं आपको कि लाल दरवाजा के पास में बोल्डर पिचिंग का काम कैसे किया गया है। और गाइस एक बात और बता दूं, तो अगर जो आप लोग बार बार मैं बता रहा हूं कि मुंगेर गंगा ब्रिज पे आप लोग ड्राइव करते तो सेफली ड्राइव कीजिए। आप देख पा रहे होंगे तो दोनों तरफ जो है ब्रिज के दोनों कॉर्नर में बालू का जो गिरा हुआ है वो बहुत ज़्यादा बालू गिरा हुआ है। इसके कारण जो अगर जो आप लोग स्पीड ड्राइव करते हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गाइस फाइनल चलते हैं लाल दरवाज़ा की तरफ और लाल दरवाज़ा के पास में हम लोग लमसम पहुंच चुके हैं और यहां पे अपडेट क्या है, बोल्डर पिचिंग का काम कहां तक पहुंचा है, ये सारा कुछ अपडेट देते हैं इस वीडियो में आप लोग को। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो रोड जो है दोनों तरफ पूरा फाइनल पिचिंग हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो मैं नया रोड पे जो है गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो इस जगह पे जो है यहाँ पे अभी बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है, नीचे आपको दिख रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे में जो है बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है और मापी का काम चल रहा है। तो गाइस अभी जो है इस जगह पे और भी कुछ काम चल रहा है, ये भी देते हैं जानकारी कि क्या काम चल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो सारा सब तरफ जो है बोल्डर पिचिंग का काम जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा है और जहाँ तक बोल्डर पिचिंग का काम हुआ था वहीं तक काम कंप्लीट हुआ है, उसके आगे थोड़ा सा काम बढ़ा है आगे। तो गाइस चलते हैं चंडिका स्थान के पास लेके आपको। और गाइस यहाँ पे बता दूँ तो इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप देखे हैं उस दिन जो इस जगह पे बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा था और अभी फाइनल हो चुका है बोल्डर पिचिंग का काम। तो गाइस यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा बोल्डर पिचिंग का काम जो है बचा हुआ है, जहाँ जहाँ पे ढलान है उस जगह पे बोल्डर पिचिंग का काम जो है किया जाएगा। और गाइस आपको बता दिया इससे पहले भी वीडियो में कि यहाँ पे जो है पेट्रोल पंप बनने का काम जो है वो चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये प्राइवेसी है, प्राइवेट पेट्रोल पंप है। तो और इस जगह पे क्या बनने वाला है मालूम नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी लेने का बहुत कोशिश किया हूँ। अभी जो है हम लोग चंडिका स्थान के पास लमसम पहुँच चुके हैं और देख पा रहे होंगे तो रोड जो है बहुत ज़्यादा साइन मार रही है, नया नया पिचिंग हुआ है भाई, इसके कारण जो है रोड जो है बहुत ज़्यादा साइन मार रही है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब जो है बच गया है रोड पे, साइड बैरिकेड का काम बच गया है और बीच में लाइनिंग का जो काम है वो बचा हुआ है। तो गाइस लाइनिंग का काम कहाँ तक हुआ है वो तो आपको दिख गया होगा वीडियो में। लाइनिंग का काम जो है नया गांव से पहले हुआ है, उसके बाद जो है लाइनिंग का काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो है नया रोड पिचिंग हुआ है तो लाइनिंग का काम जो है होना स्वाभाविक है। तो गाइस अभी फाइनल जो है हम लोग चंडिका स्थान के पास पहुंच चुके हैं और चंडिका स्थान के पास आप देख पा रहे होंगे तो क्रेन मशीन जो है उस जगह पर खड़ी है, तो शायद में भी कुछ काम किया जाएगा क्रेन मशीन के थ्रू। तो गाइस अभी वहाँ पर दिखाते हैं कि क्या काम होने वाला है। क्रेन मशीन जो है अभी क्रेन मशीन के लिए यहाँ पे कुछ काम है, क्रेन मशीन के थ्रू कुछ काम किया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्रेन मशीन को टर्न किया जा रहा है। और गाइस आपको दिखा दूँ तो इस जगह पे आप देख पा रहे होंगे तो नीचे में जो है पोपलेन मशीन के थ्रू जो है इस जगह पे खुदाई का काम जो है वो चल रहा है, ताकि इसके ऊपर जो है यहाँ पे बराबर करके उसके बाद जो है साइड पिलर को मिलाया जाए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्रेन मशीन के थ्रू जो है इस जगह पे और भी कुछ काम किया जाएगा और साइड पिलर का काम देख पा रहे होंगे तो किस तरह से कहां तक कंप्लीट हुआ, के थ्रू जो है अभी मिट्टी को इस जगह पे भरा जा रहा है ताकि इसके ऊपर जो है फाइनल ढलाई करके साइड पिलर का काम जो है वो किया जाए। फाइनल अपडेट जो है आप लोग का यहीं तक रहने वाला है, इसका नेक्स्ट अपडेट जो है आप लोग देखिएगा, देखना चाहते हैं नेक्स्ट अपडेट तो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा नेक्स्ट अपडेट इसका। तो गाइस फाइनल वीडियो यहीं तक है, अभी मिलते हैं। सो हे गाइस वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, प्यारा प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर जो मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन आपको इस जगह पे शो हो रहा होगा। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पेज आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह किसी कमाल धमाल ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।